बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड बाय नाउ यू विल बी यू नो थिंकिंग मोर अबाउट हाउ टू मैनेज दीज ब्रांड्स ओवर टाइम। व्हेन वी एंडेड आवर डिस्कशन वी वर टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ वी शुड बी यू नो लेवरेजिंग द brand equity into the brand so that you know we could extend the life of the brand. Here I would like to mention that you know it's not all the time that you are able to you know manipulate all of these guidelines that are being given to you in order to capture the market again. Things might go bad or wrong, and you somehow have to, you know, the brands has to, you know, file bankruptcy and, you know, exit from the market. Let's take this discussion further and see what else can be done in order to for the brand to survive and, you know, make its mark. Up, we talked about many things, and one of those was revitalizing the brand. And they say that expand the depth or breadth of awareness by improving consumer recall and recognition of the brand during purchases or consumption settings. Improve the strength and favorability and uniqueness of the brand association, either existing or new, making up the brand image. From day one that I've been, you know, talking to you and, you know, telling you, I have always been, you know, telling you that, you know, your recall and recognition should be, you know, the top priority. And then the motivation to make a purchase is the next. So we need to do is, you know, we need to expand that awareness in such a way that you know the recall and recognition is there. आपसे मैंने पिछले जो लेक्चर है ना उसमें मैंने आपसे बात की इन एक्टर्स की एंड एक्ट्रेसेस की जो उनकी जो अवेयरनेस है ना डेप्थ ब्रेथ ऑफ अवेयरनेस ऑफ दोज ब्रांड्स जो फिल्म एक्टर्स हैं एंड एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, और रिकॉल एंड रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। और आप जैसे ही आपको पता चलता है कि कटरीना कैफ की मूवी आ गई है या करीना कपूर की मूवी आ गई है, ठीक है ना, आर न्यू गैल नरगिस फखरी, यू नो, अली जफर, शाहरुख खान, सलमान खान, कल्ट फॉलोइंग है ना, आप फौरन यू आर मोटिवेटेड टू गो एंड वॉच दैट मूवी, ठीक है, फास्ट एंड द फ्यूरियस, विन डीजल, पॉल वॉकर, आप कहते हैं यार लेट्स गो भाई, चलो जल्दी करें, ठीक है ना, और आप वो मोटिवेट हुए हुए होते हैं, आप जाते हैं। सो वो इस क्यों है मकसद, वो इसी तरह ही है ना कि वो टीजर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े अरसे बाद जो है मार्केट में लेके आते हैं टू यू नो कीप दैट इंटरेस्ट कि जो नई अपकमिंग मूवी है उसमें क्या होगा। और ये तो इनके तो सीक्वल्स हैं, फास्ट एंड द फ्यूरियस वाले, ट्रांसफॉर्मर वाले, ठीक है ना, रॉकी हो गया, रैम्बो हो गया, अब जो सीक्वल्स जो है आपके बॉलीवुड में बने वो इतने शायद कामयाब नहीं गए, बट जो खिलाड़ी वाला जो उनका एक सीक्वल है वो जो है डिड बॉक्स ऑफिस, है ना। सो यहां पे जो है इसी तरह आपको जो है वो सीक्वल देखना है कि आपने अपने ब्रांड के साथ किस सीक्वल और किस सीक्वेंस में आपने मार्केट में आना है, किस तरीके से रिकॉल को बढ़ाना है, किस तरीके से जो है रिकग्निशन को बढ़ाना है, सो दैट यू नो पीपल वांट दैट ब्रांड, है ना। अगर आपने शलवार कमीज ली है
एक फॉर्मल सलवार कमीज जो कि आप समझते हैं कि किसी पार्टी में पहनी जा सकती है या किसी तकरीब में पहनी जा सकती है, तो उस सलवार कमीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक वेस्ट कोट चाहिए या उसको मजीद फॉर्मल करने के लिए यू नीड अ यू नो शेरवानी। सो वो जो है आप रेलिवेंट बनाएंगे, ठीक है ना, वो यूनिकनेस जो है वो उस ब्रांड के साथ, उस अपनी सलवार कमीज के ब्रांड के साथ एसोसिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर आप HSY को देख लें, आमिर अदनान को देख लीजिए, ठीक है ना, जुनेद जमशेद को देख लीजिए, तो वो जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मतलब पहले जो है वो सिंपल शेरवानीज आती थी, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया था। अब शेरवानीज जो है वो डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट यू नो क्लॉथ में, डिफरेंट डिजाइन में आपको मिलती है। मतलब शेरवानी का डिजाइन बेसिकली तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये कि उस पर कोई अपना कढ़ाई हुई भी होती है, कोई बटन्स लगे हुए होते हैं या कोई कुछ डिजाइनिंग ऐसी हुई होती है कि आपका दिल करता है कि यार आप वो पहने एंड यू एंजॉय इट। और जो है उसको रिवाइटलाइज करने में अगर आप देखें तो लाइफ बॉय की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट जो है लेक्चर में दी थी, इसी तरह जो है एक ब्रांड है जो कि इंडिया में संतूर के नाम से है। अब संतूर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाई आउट कर रहा था। इट केम इन टू द मार्केट इन 1985, बाय 1998 इट वॉज लूजिंग इट्स मार्केट शेयर, और जो मार्केट में जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल थे, मकसद लक्स, रेक्सोना, सिंथॉल वगैरह, वो जो है दे वर गेनिंग। तो दे हैड टू यू नो चेंज कि उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने उसकी पूरी पोजीशनिंग ही चेंज कर दी। उन्होंने दिखाया कि जो सिंतूर यूज करने वाली ख्वातीन हैं दे आर ब्यूटिफुल, बिकॉज उसमें जो है उन्होंने पहले ये था कि जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स थे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे जो कि इंडियन कल्चर में यूज होते थे टू कीप द स्किन यू नो फ्रेश एंड लाइव। तो अब जो है वो इट वॉज नॉट यू नो रियली कनेक्टिंग, क्योंकि लोग जो हैं वो समझते थे कि वो ओल्ड फैशन है, तो उन्होंने उसको ब्यूटी को विद दोज नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स कपल किया और उसको वो लेके आए। और फिर उन्होंने दिखाया कि जो सिंतूर वुमन है वो न्यूज़ वुमन भी है, वो जो है एथलीट भी है, वो वर्किंग वुमन है। सो वो जो है वो नेचुरल एक ब्लेंड दिखाया कि मकसद वो जो है इट इज नॉट होल्डिंग यू बैक, इट इज एज मॉडर्न एज यू आर, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको रिवाइटलाइज किया इस तरीके से। इसी तरह अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले जो है लाइफ बॉय शैम्पू में उन्होंने वेंचर किया था, सोप के बाद वो शैम्पू में आ गए थे। एंड देन जो है उसमें उन्होंने दिखाया कि जो है दो जनरेशन्स के, एक मदर एंड यू नो हर डॉटर बोथ आर यूजिंग यू नो लाइफ बॉय बिकॉज दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर हेयर, देर शुड बी समबडी हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर एंड लाइफ बॉय इज द परफेक्ट पार्टनर। तो उन्होंने उसको रिवाइटलाइज किया, एंड वो जो उसका एक इमेज था कि यू नो इट इज फॉर यू नो ओल्डर जनरेशन, उसको खत्म करके जो है नई जनरेशन को भी बीच में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया कि जो है इट इज एज रेलिवेंट फॉर दिस न्यू जनरेशन, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने वो यूनिक एसोसिएशन जो उनकी थी वो उसको बरकरार रखा एंड रेलिवेंट रखा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से। तो रिवाइटलाइजिंग स्ट्रैटेजी में क्या कहते हैं कि रिफ्रेश ओल्ड सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी, एक्सपेंड द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ अवेयरनेस, वेयर एज यहां पे जो है इंप्रूव स्ट्रेंथ फेवरेबिलिटी यूनिकनेस। जब आप एक्सपेंड करते हैं डेप्थ एंड ब्रेथ तो इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, और इंप्रूव स्ट्रेंथ में क्या कहते हैं कि जी बोल्स्टर फेडिंग एसोसिएशन,
न्यूट्रलाइज नेगेटिव एसोसिएशन एंड क्रिएट न्यू एसोसिएशन. ठीक, जब इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन तो क्या है जी, आइडेंटिफाई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई कंप्लीटली न्यू एंड डिफरेंट वेज. इधर जो है वो क्या कहते हैं कि रिटेन दोज कस्टमर्स हु आर लाइबल टू यू नो स्विच ब्रांड्स, रिकैप्चर दोज कस्टमर्स हु हैव ऑलरेडी स्विच्ड, आइडेंटिफाई दोज सेगमेंट्स विच हैव बीन नेग्लेक्टेड एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. सो रिवाइटलाइजेशन में आपको बहुत मल्टीपल किस्म की चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं. ठीक है, और जो ओल्ड सोर्सेज हैं ब्रांड इक्विटी के दे शुड रिमेन, उनको आप रिवाइव करें. ठीक है, बट नए सोर्सेज को भी आप जो हैं कैप्चर करने की कोशिश करें. सो यहां पे अगर आप होंडा मोटरसाइकिल्स को देखें तो होंडा मोटरसाइकिल्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दे आर मेकिंग मोर सेंस टू देयर कस्टमर्स. ठीक है, पहले जो है उन्होंने होंडा जो था वो होंडा 100 सीसी, देन देयर वाज 125 सीसी, फिर 175 सीसी एंड देन 200 सीसी. ये जो है ये चार मॉडल्स पाकिस्तान में अवेलेबल होते थे. आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्राइसेस जो हैं वो फ्यूल की बढ़ती गई तो लोगों में जो है वो एक इशू खड़ा होने लग गया कि यार ये जो 175 सीसी और 200 सीसी है ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खाते हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और वो पॉपुलैरिटी जब कम हुई तो लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, तो दे हैड टू डिसकंटिन्यू दोज टू. अब जब उनको डिसकंटिन्यू कर दिया तो दे केम अप विद दिस यू नो होंडा CD70, और उसकी जो यूनिक एसोसिएशन उन्होंने बनाई वो ये थी कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर. ठीक है ना, सो वो जो यूनिक एसोसिएशन उन्होंने बनाई उससे क्या हुआ कि जो है लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई और उससे जो है उन्होंने ज्यादा मोटरसाइकिल उनके बिकने लग गए. तो वो जो 100 सीसी वाला जो ब्रांड था वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो गया. तो दे वॉज लाइक यू नो 70 सीसी एंड 125 सीसी, CG125 एंड CD70. ऑन द अदर हैंड अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो इंडिया में उन्होंने क्या किया कि विद इन यू नो लास्ट डिकेड और सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए आपके पास ना कि ये 70 एंड 125 बल्कि उन्होंने 500 सीसी और 1000 सीसी मोटरसाइकिल्स को और 300 सीसी 350 सीसी मोटरसाइकिल्स को भी इंट्रोड्यूस किया फॉर पीपल हु वांट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट. सो उन्होंने दे मेड इट यू नो मोर रेलेवेंट टू द न्यू कस्टमर्स एंड द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोज हु वांट टू हैव दैट थ्रिल. सो उन्होंने जो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए दे मेड होंडा मोर रेलेवेंट. ठीक है ना, बाय इंट्रोड्यूसिंग दीज न्यू ब्रांड्स. हमारे यहां भी उन्होंने अब मॉडल्स जो हैं वो चेंज करने लग गए हैं, मतलब देर आर सिंपल यू नो मॉडल्स एंड देन यू नो देर आर स्पोर्टियर मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट. सुजुकी इज यू नो कमिंग अप विद हैवी बाइक्स इन द पाकिस्तानी मार्केट एंड इट्स नॉट लॉन्ग बिफोर यू नो होंडा वुड फॉलो with their you know heavy bikes into this market as well. So इस तरीके से उन्होंने अपने जो ब्रांड है उसको रिवाइटलाइज कर रहे हैं. इस तरह जो है एक और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में एक मोटरसाइकिल था रॉयल एनफील्ड के नाम से, रॉयल एनफील्ड लेजेंड 350, अ हैवी बाइक जो कि बड़ा यूनिक किस्म का है, उसका बड़ा यूनिक साउंड है एंड इट वाज इवन देयर बिफोर यू नो हार्ले डेविडसन केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो वो जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनके ऑपरेशंस जो यूरोप में थे वो तो ख़त्म हो गए लेकिन उनके जो ऑपरेशन जो इंडिया में थे वो चल रहे थे. और देर वॉज यू नो दो ही मॉडल्स थे, एक 350 सीसी एंड देन देर वॉज 500 सीसी.
बट इट वॉज यू नो फेडिंग आउट, वहां पे भी ऐसे ही लग रहा था कि ये जो है ना खत्म हो जाएगा. बट जो इंथूजियस्ट है ना उस मोटरसाइकिल के, वो अभी भी जो है बड़े डाई हार्ड किस्म के लोग हैं. तो उनको ये इशू था कि यार अगर जो है ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, और उसमें जो है जो ओनरशिप है इस कंपनी की वो भी बीच में चेंज हुई. तो फाइनली दे थॉट कि यार हमें जो है वी नीड टू यू नो जो लोग इस ब्रांड को खरीद रहे हैं उनके पास पैसों का इशू नहीं है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि हमें उनके लिए इसको मजीद थोड़ा सा रेलिवेंट करने की जरूरत है. तो उन्होंने उन दो मॉडल्स की जगह अब जो है 6 नए मॉडल्स मार्केट में वो लेके आ गए. और मजे की बात यह है कि आप उसको आज ऑर्डर करें तो डिलीवरी जो है वो 9 महीने के बाद है. विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो फैक्ट के मकसद आपको जो है डिलीवरी ऐसे नहीं है कि आप जाएं और जाके जो है शोरूम से खरीद लें अगर somebody doesn't want it. तो उसका जो मोटरसाइकिल है वो खड़ा होगा शोरूम पे, अदरवाइज यू वुड नॉट फाइंड इट. या डिस्प्ले की जो चीज होगी वो होगी, बाकी जो है आपको आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो तब उस पर वो काम शुरू करेंगे. एंड देन यू नो इट टेक्स यू नो 9 months टू गेट योर ऑर्डर. इसीलिए जो है जब ब्रांड रिवाइटलाइजेशन की बात आ रही है तो डिज्नी एक बहुत बड़ा नेम है इन फैमिली एंटरटेनमेंट, ठीक है ना. उनके थीम पार्क्स भी हैं, उनके टीवी प्रोग्राम्स भी हैं, और वो स्पेशली जो है वो बच्चों के लिए केटर करते हैं, जिसमें मिक्की माउस डोनाल्ड डक जो हैं उनके दो बहुत मशहूर करेक्टर्स हैं. तो वो जो है उन्होंने सिंड्रेला और जो है ना लिटिल रेड राइडिंग हुड जो हम बचपन में जो कहानियां सुना करते थे या पढ़ा करते थे, वो जो है उनकी मूवीज भी बनाई हैं, उन पे कार्टून्स भी बनाए हैं, और उनके जो थीम पार्क्स हैं वो एलए में, लॉस एंजलिस में है, फ्लोरिडा में है, पेरिस में है, टोक्यो में है, एंड देन देयर इज अ मिनी डिज्नीलैंड इन हांगकांग. तो वो अक्रॉस द ग्लोब वो इस तरीके से डिस्पर्स्ड हैं. एंड यू नो आप एक दिन में उनका जो थीम पार्क है वो पूरा नहीं घूम के देख सकते हैं. तो उन्होंने उसी थीम पार्क के अंदर जो है छोटे छोटे होटल बनाए हुए हैं कि जहां पे आप जाके ठहरते हैं, और आपको वो पूरा थीम पार्क देखने के लिए 3 से 5 दिन दरकार होते हैं. हो सकता है कि आप पूरा ना देखना चाहते हो तो आप वो 3 दिन में उनका उसका टूर पूरा हो जाता है, अदरवाइज अगर आपने पूरा देखना है तो 5 से 7 दिन में वो पूरा टूर मुकम्मल होता है कि आप एक एक जो है जो थीम पार्क के अंदर जगहें हैं उसमें जाके आप उनको विजिट करें. क्योंकि जब भी जहाँ भी जाएंगे वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, एंड टू गेट ऑन टू दैट राइड और यू नो टू दैट यू नो कैसल और समथिंग जो भी वहाँ पे डिस्प्ले पे है उसमें 1.5 से 2 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं. तो उसको देखने में इतना टाइम लग जाता है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ब्रांड को रिवाइटलाइज करने के लिए और रेलिवेंट करने के लिए, क्योंकि वो जो है 1950s से तो डिज्नी लैंड है और वो जो है उसके रिलेटेड, तो वो जो लोग जो डिज्नी को फॉलो कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता वो अब जो है वो बूढ़े हो गए हैं यार, ठीक है ना, वो एक उम्र को खास को पहुंच गए हैं, और अब उनके बच्चे जो हैं वो शायद डिज्नी को फॉलो कर रहे होंगे. तो जस्ट टू रिमेन यू नो रेलिवेंट टू दोज कस्टमर्स हु हैव ग्रोन यू नो ओल्ड विद डिज्नी, उन्होंने जो है टचस्टोन पिक्चर्स को खरीद लिया, ठीक है ना, उन्होंने जो है एबीसी टीवी चैनल को खरीद लिया, एबीसी या एनबीसी को, दोनों में से किसी एक टीवी चैनल को उन्होंने खरीद लिया, ताकि जो है वो लोग दे रिमेन यू नो लॉयल टू डिज्नीलैंड और यू नो डिज्नी एज अ ब्रांड. बियोना विस्टा जो है वो उनकी एक कंपनी है जो टीवी प्रोग्राम्स बनाती है, टचस्टोन पिक्चर्स जो है वो मूवीज बनाती है, देन यू नो जो टीवी चैनल है या जो केबल चैनल है न्यूज़ वाली वो उन्होंने ले ली है. सो लाइक यू नो एक असॉर्टमेंट बना दी है
ताकि जो है लोग डिज्नी ब्रांड के साथ जो है एसोसिएटेड रहें। सो अब वही जो बात हमने उस में की वही आगे लेके चल रहे हैं कि जी एक्सपैंडिंग ब्रांड अवेयरनेस, इंप्रूविंग ब्रांड इमेज, एंटरिंग न्यू मार्केट्स। तो जो डिज्नी की मैंने आपसे बात की तो वो एंटरिंग न्यू मार्केट्स ही थी ना, मकसद वो एंटरटेनमेंट में बिजनेस में तो थे लेकिन उन्होंने वो न्यूज में भी आ गए, वो टीवी प्रोग्राम्स में भी आ गए, वो मूवीज में भी आ गए, एडल्ट कंटेंट में भी आ गए, ठीक है ना। लेट्स पुट इट दिस वे। अब एक्सपैंडिंग ब्रांड अवेयरनेस में क्या कहता है कि इंक्रीजिंग यूजेज, इंक्रीजिंग द लेवल और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। वही बात कि आपने जो है एक तो नई मार्केट, जब कोक की मैंने बात की थी आपसे पिछले लेक्चर में, तो आपने एक नई मार्केट डिफाइन कर दी जी। तो मैंने जो है पिछले लेक्चर में जिस तरह आपसे बात की थी कोक के बारे में, तो आप उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो कोक का सीईओ, उसने एक तो नई मार्केट डिफाइन कर दी थी कि वो 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो कि सिर्फ पानी पी रही है उनको जो है कोक पीना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उनकी जो है क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन भी उस, क्योंकि जब आप उनको फोकस कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जिस तरह जो है हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है तो उसमें जो है हमारी जो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ बेसन है, खजूरें हैं, ऑयल है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो फिर जो है वो कुछ अरसे तक वो आगे चलता रहता है, मतलब वो ईद के बाद तक भी आप उस मोड में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है वो आपको समझने की जरूरत है कि यार अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर एडिशनल यूजेज, मैंने आपसे एक दफा बात की थी कुछ लेक्चर्स पहले जिसमें हमने बेकिंग सोडे की बात की थी, तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है बेकिंग में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, फिर वो टूथपेस्ट में भी आ गया, वो एज रेफ्रिजरेटर डिओडराइजर में भी आ गया, तो वो एडिशनल यूजेज जो है आ गया। और फिर वो जो है उसकी जो पैकेजिंग है वो भी कुछ इस तरीके से कर दी गई कि वो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आ गया कि यार ये जो है हम इसको अगर हम इस तरह फ्रिज में रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है उसकी फ्रिज की जो स्मेल है वो सारी उस खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही आइडेंटिफाइंग न्यू एंड कम्प्लीटली डिफरेंट वेज टू यूज द ब्रांड। फिर इम्प्रूविंग द ब्रांड इमेज, कहता है कि जी रीपोजिशनिंग द ब्रांड, एस्टैब्लिश मोर कंपेलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, इन सम केसेस अ की पॉइंट ऑफ डिफरेंस मे टर्न आउट टू बी नॉस्टैल्जिया एंड हेरिटेज रादर देन एनी प्रोडक्ट रिलेटेड डिफरेंस, अदर टाइम्स वी नीड टू रीपोजिशन अ ब्रांड टू एस्टैब्लिश अवर पॉइंट ऑफ पैरिटी ऑन सम की इमेज एंड चेंजिंग ब्रांड एलिमेंट्स कन्वे न्यू इन्फॉर्मेशन और सिग्नल दैट ब्रांड हैज टेकन ऑन अ न्यू मीनिंग। सो अब जो है हम रीपोजिशन कर रहे हैं ब्रांड को, ठीक है ना, हम ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अब ज्यादा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम जो है की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मे टर्न आउट टू बी नॉस्टैल्जिया एंड हेरिटेज रादर देन प्रोडक्ट, और जो कुछ की पॉइंट्स हैं ब्रांड के वो हो सकता है कि आपको कोई पास्ट में ले जाए, ठीक है ना, और वो जो है वो आपका एक हेरिटेज का हिस्सा हो, तो वो आपको हमेशा याद आएगा। जिस तरह जो है जब लिप्टन की येलो लेबल जो है मार्केट में दोबारा से लॉन्च हुई थी, क्योंकि बीच में एक टाइम आया था कि जो वो पाकिस्तानी मार्केट से देवर आउट, और उस वक्त जो है ब्रुक बॉन्ड जो हैड टेकन ओवर द पाकिस्तानी यू नो टी मार्केट, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने लिप्टन वालों ने अपना जो पुराना एक ऐड था उसमें जो है वो कहते हैं कि जी वो था कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन उमदा है लिप्टन पीजिए, वो ही जो है इसको लेके वो वापस आए और उसको उन्होंने यूटिलाइज किया ताकि लोगों को वो जो है पुराना उनको बातें याद आए, ठीक है ना। सो
इसको जो है अगर आप इस तरह देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको जो है एक एड दिखाऊंगा जो कि वर्जिन ट्रेन से रिलेटेड है, और वर्जिन ट्रेन जो है उन्होंने ब्रिटिश रेल के मुकाबले में एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट की है, और क्योंकि ब्रिटिश रेल जो है क्योंकि अब वो गवर्नमेंट ओन्ड है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता कंप्लेसेंसी आ गई है, जो लोगों का जो प्लेजर था ट्रेन का वो ख़त्म हो गया, उस ट्रिप को अब वो करते वो ऐसे ही समझते हैं जैसे जो है बस वो उन पर ज़बरदस्ती लाद दिया गया और उनको जो है ना उस ट्रेन में सफ़र करना है। वेरस अगर आप वर्जिन का जब एड देखेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें उन्होंने जो पुरानी ग्लोरी है ऑफ दैट ट्रेन, और वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो मूवीज में ट्रेन जिस तरह यूज हुई है उसको वो लेके चल रहे हैं, और उन्होंने फिर जो नई जो चेंजेस उसमें आ रही हैं वो उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो लाइक यू नो दिस देयर इज दिस ओल्ड ट्रेन एंड देयर इज दिस न्यू ट्रेन, तो आपको उसमें जो है उन दोनों को उन्होंने कपल किया है और उसको बड़े खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे किया जो कि अभी आप देखेंगे। लेट्स वॉच दैट एड एंड कम बैक। जी उम्मीद है आपने वो एड इन्जॉय किया होगा और उसको जो है देख के आपने कुछ समझने की कोशिश की होगी कि जो है वो जो नॉस्टैल्जिया और हेरिटेज है वो उन्होंने उसको बरकरार रखते हुए जो है नई चीज़ें भी उसमें इनकॉर्पोरेट की हैं, मकसद नई को पुरानी चीज़ों का जो जिससे जो ब्रिटिश रेल जिस जो लोगों को याद थी वो सब चीज़ें और प्लस उसमें जो न्यू एलिमेंट्स हैं वो उसमें ऐड किए गए हैं। तो वो जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो ट्रेवल है वो उन्होंने उसको पॉइंट ऑफ पैरिटी बनाया है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन है फ्रॉम द करंट ब्रिटिश रेल, तो वर्जिन ट्रेन जो है वो उसको लेके चल रही है। सो उन्होंने जो है अपने वो ट्रेन के सफ़र को रीपोजिशन कर दिया विद अ न्यू ब्रांड इमेज। ठीक है, अब जो है आप कन्वे न्यू इन्फॉर्मेशन चेंजिंग ब्रांड एलिमेंट्स, चेंजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और सिग्नल दैट अ ब्रांड हैज टेकन ऑन अ न्यू मीनिंग। यहाँ पे मैं आपको एक सोनी का एड दिखाऊंगा, लेट्स वॉच दैट एड और फिर जो है उसको लेट्स टेक दिस फर्दर। जी उम्मीद है आपने सोनी का एड देखा होगा और आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सोनी ने नया वॉकमैन बनाया है जो कि वो वॉकमैन नहीं है, उसके अंदर वो टीवी जो है वो फिट हुआ हुआ है, तो ऑन द गो यू कैन वॉच टीवी एंड इट इज़ अ कलर टीवी। सो लाइक पहले जो टीवी था वो ब्लैक एंड वाइट आ रहा था, तो अब दिस टाइम दिस इज अ कलर टीवी। तो उन्होंने वो दिखाया कि जी आईज हैं एंड ईयर्स हैं, ईयर्स जो हैं वो हैं कि जो सिर्फ आप सुन सकते थे, आईज वो हैं जो आप देख सकते थे, तो जो आईज दिखाई हैं वो कलरफुल हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो ईयर हैं वो एक ब्लैक एंड वाइट हैं, तो और उन्होंने दिखाया कि वो जो ये दो गैंग्स हैं जो आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और वो जो है एक टाइम आता है कि दोनों जो हैं वो लड़ने के लिए मिलते हैं एक गली के अंदर, लेकिन तब पुलिस आ जाती है, तो उसमें जो है सब भाग जाते हैं और वो एक लड़का और एक लड़की रह जाते हैं, जो कि जो लड़का है वो ईयर्स में से है और जो लड़की है वो आईज में से है। सो वो दिखाते हैं कि उनका जो है एक मर्जर हो जाता है, बिकॉज वो भी जो है वो पुलिस में से भागना चाह रहे हैं लेकिन अब वो ही रह गए, तो वो बजाय इसके कि भागते उनका आई कांटेक्ट होता है और वो फिर जो है एक मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी फील लाइक नो अदर, उन्होंने जो उसका स्लोगन रखा है। तो जाहिर सी बात है सोनी जो है हमेशा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है अपने कंपटीशन से बाय बीइंग यू नो वन ऑफ द पायनियर्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइक दैट, एंड दे हैव बीन एबल टू यू नो पोजिशन themselves इन सच अ वे के ऑलवेज दे आर थिंकिंग ऑफ कंज्यूमर कन्वीनियंस। तो उन्होंने जो अपने आप को रीपोजिशन किया वो इसी तरह है कि वो कंज्यूमर कन्वीनियंस की बात कर रहे होते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक और द वीडियो।
एक जमाना था कि अगर आपको याद हो, प्रोबेबली आपने नहीं देखा होगा, लेकिन शायद कुछ मूवीज में आपने जरूर देखा हो कि लोग जो हैं वो टेप रिकॉर्डर कंधे पे रख के और वो वॉक कर रहे हैं और वो म्यूजिक सुन रहे हैं, और वो ऊंचा ऊंचा म्यूजिक जो है तो वो सारी दुनिया को वो म्यूजिक सुना रहे होते थे जो वो खुद सुन रहे होते थे। तो सोनी वालों के वॉकमैन आने से क्या हुआ था कि वो हेडफोन्स जो हैं वो कानों को लग गए और लोग जो हैं जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो बाकी उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, और वो जो स्पेस है वो भी सेव हो रही है। कंधे जो हैं वो जो उसको उठा उठा के बूम बॉक्स को जो दुख जाते थे वो भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको ये समझना है कि जो आपने जो है इमेज को किस तरीके से आगे लेके चलना है, सो दैट इट मेक्स यू नो मोर सेंस टू योर कंज्यूमर। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो रीपोजिशन नहीं कर रहे होंगे, तो मकसद अगर आप वो देखें तो हमने पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात डव की थी, ठीक है ना। इसी तरह आज मैंने आपसे जो बात है वो लाइफ बॉय की है, मतलब लाइफ बॉय जो है वो सोप था और सोप से वो शैम्पू एंड कंडीशनर वाले मोड में आ गया, तो उन्होंने अपने आप को जो है ब्रांड एक्सटेंशन कर ली। इसी तरह डव ने जो है आपका सोप से स्टार्ट लिया था, फिर वो शैम्पू आया, कंडीशनर आया, फिर जो है वो बॉडी मॉइस्चराइजर आ गया, तो उन्होंने एक कंप्लीट रेंज दे दी जस्ट टू टेल के जो है अपने आप को रीपोजिशन कर लिया फ्रॉम अ ब्यूटी सोप टू ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स जस्ट टू रिमेन रेलिवेंट टू देयर कस्टमर, ठीक है ना, जस्ट टू रिमेन रेलिवेंट टू देयर कस्टमर। देखें आप जो है पोजीशनिंग इसीलिए चेंज कर रहे हैं ना कि ताकि जो है ब्रांड जो है वो रेलिवेंट रहे और लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। द प्रोडक्ट शुड नॉट डाई डाउन। एक जमाना था ना उसमें जो है जब आप डबल रोटी लेने जाते थे तो डबल रोटी कटी भी नहीं मिलती थी, आपको घर जाके खुद काटनी पड़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ट्रेंड आया कि डबल रोटी, क्योंकि वो जो है उसके स्लाइसेस वो सही नहीं कटते थे घर पे, तो आपने जो है वो बेकरीज ने काट के देने शुरू कर दिए। फिर वो जमाना आ गया कि जो है वो जो ब्रेड है वो प्लांट्स पे बननी शुरू हो गई और फिर वो कटी कटाई पैक्ड हुई भी वो जो है आपको मिलने लग गए। इसी तरह जो है क्योंकि वो रीपोजिशन लोग नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को, और वो समझते हैं कि जी हम जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं लिहाजा लोग खुद ब खुद खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लोग खुद ब खुद नहीं खरीदते हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि यार हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे जो हैं ये जो है ना बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी फलानी फलानी नीड को फुलफिल कर रहे होंगे, और अगर उनको वो नहीं समझ में आ रहा हो तो आपने आपको जो है आपको बदलना पड़ता है। लोग नहीं बदलते हैं, आपको बदलना होता है लोगों की नीड्स के मुताबिक, ताकि जो लोग हैं उनको जो है लगे कि जी ब्रांड हमारे लिए ही बना है, हम ब्रांड के लिए नहीं बने हैं। अगर लाइफ बॉय जो है अपने आप को चेंज नहीं करता और जो है उसमें जो है वो नई जिद्दत नहीं लाता कि जी वो जो पुरानी जनरेशन है जो यूज कर रही थी वो तो है ही, अब जो नई जनरेशन आई है उसके लिए भी इट इज एज मच रेलिवेंट फॉर देम एज फॉर यू, तो वो जो है लोग जो है कनेक्ट नहीं कर सकते थे उस ब्रांड के साथ, और जब वो उस ब्रांड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे तो खरीदना बंद कर देते। तो अब आप अगर लाइफ बॉय के बॉटल उठा के देखें तो उसमें जो है एक मेच्योर लेडी है और फिर उसके साथ एक बच्ची है, उन दोनों की पिक्चर जो है उसके ऊपर बनी हुई है। इस तरह ही जो है जो डव है उसने जो है ये अपने आप को रीपोजिशन किया, साथ में जो है उसने जो है ख्वातीन के लिए जो है एक थेरेपी का इंतजाम किया है,
ताकि लोग जो हैं लोगों को समझ में आए कि वो खूबसूरत हैं। औरतें जो हैं वो ये ना समझे कि हम बदसूरत हो गई हैं या हम जो है भद्दी हैं, लोग हमें देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब आप इन मॉडल्स को देखते हैं जो कि फैशन शोज में हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स में आती हैं, तो वो जो है एक बहुत स्मॉल पोर्शन है पॉपुलेशन का जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। लोगों को वो अच्छी तो बहुत लगती हैं, ठीक है ना, लेकिन हर एक जो है वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने आप को एक एज अ केयरिंग ब्रांड शो करने के लिए रीपोजिशन कर लिया और उन्होंने जो है ये एक सेशन स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को वो बता सकें कि नहीं, आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी बॉडी के साथ जो है ना कोई एक्सपेरिमेंट करें। लोग जो हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई जो है फैट निकलवा रहा है, कोई जो है अपने वो बोटॉक्स के इंजेक्शन आते हैं वो लगवा लेते हैं ताकि होंठ जो है वो बड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो इस किस्म की जो है वो करते रहते हैं कोई ना कोई चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जो है क्योंकि ब्रांड जिस तरह ग्रो करता जाता है ना, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करने लग जाता है, क्योंकि वो समझता है कि बस अब मैं जो हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि जी ब्रांड जो है वो अब गड़बड़ होने लगी है और मुझे जो है यहाँ पे अब मैं मार्केट शेयर लूज करने लगा हूं, तो आप वापस अपनी जो है ना ब्रांड को अपनी रूट्स के पास चले जाना चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे वो ब्रांड बना था, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी किस चीजों की वजह से आई थी, ठीक है ना। अब जो है अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्ली जब हमने देखा था तो वो हार्ले डेविडसन के वाइन कूलर्स की बात आ गई थी। अब हार्ले डेविडसन जो है वो एक माचो इमेज दे रहा है, एक मैच्योर इमेज दे रहा है, एक रगेड लुक दे रहा है, और वाइन कूलर जो है आर एसोसिएटेड विद फेमिनिज्म, खातून औरतों के जो है ना वो लगता है कि एक औरतों का ब्रांड बन गया, तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई उन वाइन कूलर्स के लिए, तो उनको वापस जाकर रिकनेक्ट करना पड़ा अपने उन कस्टमर्स के साथ। तो उन्होंने वापस जाके अपनी वो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी देखी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखी, चैनल देखा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी देखी। सो उन्होंने सारी चीज़ों को तो नहीं हिलाया, लेकिन अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो थी उन्होंने रिविजिट की एंड स्टार्टेड कनेक्टिंग अगेन विद द कस्टमर्स। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था वो ब्रेड वाली, तो वो बीच में ही रह गई। वंडर ब्रेड जो है पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में वंडर ब्रेड जो थी वो पहली ब्रेड थी जो कि स्लाइस होके मार्केट में आई थी, स्लाइस होके पैकेज होके मार्केट में आई, और उसमें वो रेड ब्लू एंड यू नो येलो स्ट्राइप्स थी, और जो है लोगों को वो बड़ी अच्छी लगी एक। लेकिन 1980s में आके वंडर ब्रेड यू नो फाउंड आउट के मकसद दे आर नॉट यू नो कैप्चरिंग द मार्केट, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो मार्केट शेयर है वो स्लिप होने लग गया, वो उसको रिवाइटलाइज ही नहीं कर सके, वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं निकाल सके, क्योंकि उस जमाने में हेल्थ फूड का जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा था, तो वो मल्टीग्रेन ब्रेड्स जो हैं वो मार्केट में आने लग गई थी और उनका टेस्ट जो था वो इस आम ब्रेड से बेहतर था, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी बट देन अगेन ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि वो अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, उन्होंने बड़ी कोशिश की है किसी तरीके से जो है वंडर ब्रेड जो है वो आ जाए, हालांकि लेकिन उन्होंने कोई नई ब्रेड नहीं लेके आए, कोई नया टेस्ट नहीं लेके आए ब्रेड में, तो लोग जो थे उन्होंने अब वो उसकी जो सेल थी वो इतनी कम हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है जान छुड़ानी पड़ी उससे, और उन्होंने प्लांट बंद कर दिया, तो वंडर ब्रेड जो है डाइड ओवर देयर।
तो समबडी फ्रॉम पाकिस्तान आई गेस वॉज देयर एंड दे फाउंड दैट यू नो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड यू नो लॉन्च दिस ब्रांड ओवर देयर. तो वो यहां पे आके उन्होंने उसी नाम से जो है वंडर ब्रेड के नाम से उसको लॉन्च कर दिया. हालांकि जब यहां पे लेके आए तो उन्होंने उसका पूरा लोगो और उसकी जो पैकेजिंग थी वो टोटली चेंज कर दी ताकि जो है कल को कोई ट्रेडमार्क वाला जो है किस्सा ना आ जाए बीच में. इसी तरह अगर आप देखें बर्बरी जो है वो एक कंपनी है जो कि ब्रिटेन बेस्ड है. बर्बरी जो है इज फेमस फॉर देयर रेन कोट्स एंड यू नो सम स्ट्रॉन्ग चेक्स. वो आपने देखा होगा ना चेक्स जो चेकर्ड शर्ट्स होती हैं और कोट्स होते हैं वो. इसी तरह रेन कोट में भी उन्होंने तो आहिस्ता आहिस्ता जो है दे वर लूजिंग आउट देयर मार्केट शेयर. तो टू मेक इट मोर रेलिवेंट उन्होंने जो है चेक्स को जो है उनके डिफरेंट साइजेस कर दिए. ठीक है ना. जो रेन कोट है उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर दी. जो है बड़ी फेमस मॉडल्स को वो लेके आए जो कि वो बर्बरी के कोट और वो जो है ना रेन कोट पहन के उन्होंने तस्वीरें खिंचाई और जो है शूट्स हुए और फैशन शोज हुए ताकि लोगों को पता चले कि जी क्या चेंजेस आ रहे हैं. और उसमें जो है जो चेक्स के जो कलर्स थे वो चेंज किए. तो उन्होंने देखा कि जो क्योंकि अब जो है वो फैशन चेंज हो रहा है लोग जो है वो एक ही चीज़ पहन पहन के तंग आ जाते हैं. और रेन कोट तो आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो वो फॉर ईयर्स इट रिमेन्स विद यू. तो उन्होंने जो है उसमें नए नए डिज़ाइन लाने से और नए चेक्स करने में और जो है ना और इसी तरह कोट और जो है ना बाकी चीज़ें और रिलेटेड आइटम्स जो हैं उसमें जो है ज़रा थोड़ा सा ट्रेंडी बना दिया जिससे जो क्या हुआ कि इट वॉज यू नो मोर रेलिवेंट. ठीक है ना. रिवाइटलाइज भी हो गया और वो जो है दे वेंट बैक टू बेसिक्स उन्हें देखने के लिए कि पहला जो बर्बरी ने पहले क्या कोट बनाए थे और किस तरीके से था उसको हम किस तरीके से लेके चल सकते हैं और मोर ट्रेंडी बना के हम मार्केट में दोबारा लेके आ सकते हैं ताकि लोग जो है उसे करें. एंड देन आप जो है वो कहता है कि जी क्रिएट न्यू सोर्सेज ऑफ ब्रांड इक्विटी एग्जाम्पल माउंटेन ड्यू. तो ब्रांड इक्विटी के जो न्यू सोर्सेज है मकसद माउंटेन ड्यू जो है एक एनर्जी ड्रिंक है बट इट्स अ सॉफ्ट ड्रिंक. और सॉफ्ट ड्रिंक इन द सेंस के मतलब वो जो है उसी कैटेगरी में आता है लेकिन एनर्जी ड्रिंक. और वो जो है उन्होंने न्यू सोर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी बनाया कि मतलब व्हेन इट री एनर्जाइजेज यू इफ यू टेक माउंटेन ड्यू. तो वो यूनिक डिफ्रेंसिएशन लेके वो मार्केट में आए जस्ट बिकॉज के माउंटेन ड्यू हैज यू नो फोर टाइम्स मोर कैफीन एंड एट टाइम्स मोर शुगर इन इट देन द रेगुलर कोला दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. यानी कोक और पेप्सी से फोर टाइम्स ज्यादा कैफीन है उसके अंदर और एट टाइम्स ज्यादा शुगर है. इसकी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ माउंटेन ड्यू की केस स्टडी भी जो है वो डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चले कि माउंटेन ड्यू जो है वो किस तरह इवॉल्व हुआ और जो है उसकी हिस्ट्री वो जो है फिर उसमें जो एड्स जो है वो उनकी सिलेक्शन कैसे हुई उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है माउंटेन ड्यू किस तरह उसका टेस्ट किस तरह चेंज हुआ और बाकी सारी सिलसिले किस तरह के एड्स आए जिनकी कम्युनिकेशन थी वो क्या थी ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एंड होपफुली यू वुड इन्जॉय दैट. क्योंकि माउंटेन ड्यू की जो जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. अच्छा जी फिर जो है आपके पास एक जो बड़ी आम सी बात भी है और बट देन अगेन इट्स नॉट वेरी इजी जॉब कि आप जो है अगर आप समझते हैं कि जी मैं इस मार्केट में अब मेरा काम खत्म हो गया है तो आप कोई नई मार्केट ढूंढ लें या आप कोई नया सेगमेंट ढूंढ लें. ठीक है ना. सो आप क्या करें कि आप वन स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर रिवाइटलाइजिंग अ फेडिंग ब्रांड इज सिंपली टू मूव टू डू मोर और लेस अबैंडन द कंज्यूमर ग्रुप दैट सपोर्टेड द ब्रांड इन द पास्ट टू टारगेट अ कंप्लीटली न्यू मार्केट सेगमेंट. ठीक है ना. आप किसी नए ज्योग्राफिकल एरिया में चले जाएं आप जो है किसी नए सेगमेंट को टारगेट कर लें ताकि जो है
यू मेक यू नो मोर रेलेवेंस. और उसकी मिसाल मैंने जो अभी आपको दी जिस तरह, वो क्या थी कि आपने जो है डिज्नी को लिया, तो वो डिज्नी ने क्या किया कि ब्यूना विस्टा एंड टच स्टोन एंड वो एनबीसी न्यूज चैनल जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर ली, विच वॉज यू नो बिकॉज दे वर इन एंटरटेनमेंट बिजनेस, तो इट वॉज यू नो अ नेचुरल जम्प टू टारगेट यू नो दैट सेगमेंट और दैट मार्केट, एडल्ट एंटरटेनमेंट जिसको आप कहना चाहिए. हमारे यहाँ तो वही ड्रामे बैठ के और वही फिल्म में बैठ के बच्चे भी देख रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो वही फिल्में और ड्रामे बैठ के बच्चे भी देख रहे होते हैं, बड़े भी देख रहे होते हैं. हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी बच्चे जो हैं उनका एक ख़ास टाइम है या ख़ास चैनल है जो वो देखें. सो पहले ज़माने में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ फेडिंग. तो लेकिन ये है कि स्टिल यू नो देर आर पीपल हु आर वेरी ऑफ दिस थिंग एंड यू नो दे डू नॉट लाइक इट. तो आप जो हैं बड़ी डिस्टिंक्ट मार्केट्स हैं. इसी तरह जो है आप देख लीजिए कि एज यू ग्रो तो आप आपकी क्लोथिंग लाइन जो है वो किस तरीके से चेंज होती है. लीवाइस जो जीन्स हैं उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और जो है अपनी ब्रांड इक्विटी को विदाउट लूज ना करने के लिए उन्होंने नई मार्केट्स डिस्कवर कर ली. और वो जो नई मार्केट्स जब उन्होंने डिस्कवर की तो वो रेड टैब और सिल्वर टैब और ये इस किस्म की चीज़ों से और विंटेज से उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया. सो लाइक वो जो एक $30 की जीन्स मिला करती थी वो जो है उसकी प्राइस जो है वो स्टार्ट हो गई फ्रॉम अंडर $20 टू यू नो गोइंग अप टू $300. और देन यू नो नाउ दे वर यू नो टारगेटिंग 5 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. पहले वो एक ही सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि अब जो है जीन्स बनाने में और भी बहुत सारे जो हैं प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं और उनका जो शेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होने लग गया है. तो जब वो शेयर ख़त्म होने लग गया तो लीवाइस को भी समझ में आया कि अब अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया और हमने जो है नई सेगमेंट्स को टारगेट नहीं किया तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में से आउट हो जाएंगे और लोग जो है हमारी प्रोडक्ट को लेना बंद कर देंगे. तो उन्होंने फौरन जो है अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थी उनके साथ बैठ के जो स्ट्रेटजी डिवाइस की और नए लोगों को उन्होंने टारगेट किया, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई. वही जो पहले जीन्स एक आम आदमी पहना करता था अब जो है वो रईस जो लोग हैं वो भी वही जीन्स पहनते हैं, वही ब्रांड पहन रहे थे, बट ऑब्वियसली उसकी डिज़ाइनिंग और उसका कपड़ा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट थी. एंड वो एक आम आदमी उस जीन्स को नहीं खरीद सकता था क्योंकि एक आम जीन्स जो है वो $25 की या $20 की मिल रही थी, वेयर एज जो दूसरी जीन्स है उसकी जो प्राइस रेंज है वो $185 से स्टार्ट होकर $300 तक जा रही थी. यानी वो जीन्स जो है वो आप ऐसे समझ लें कि 18,500 रुपये से लेके 30,000 रुपये की सिर्फ एक पेयर ऑफ जीन्स जो हाई एंड कंज्यूमर को टारगेट कर रहे थे. सो उन्होंने नया सेगमेंट जो है उन्होंने दरियाफ्त किए आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको केटर करने के लिए उन्होंने उसके लिए जीन्स बना के मार्केट की. अब जो है एडजस्टमेंट्स टू ब्रांड पोर्टफोलियो, उसमें जो है आपके ब्रांड पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमेशा ही फाइन ट्यून करना पड़ता है क्योंकि सारे जो आपके ब्रांड्स होते हैं वो उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं. तो फिर आपको देखना होता है कि आपने उसकी जो है पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी किस तरीके से डिवाइस करनी है ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके. तो माइग्रेशन स्ट्रैटेजी सबसे पहले वो बात कर रहा है, उसमें कहते हैं कि जी अ कॉर्पोरेट और फैमिली ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी इन विच ब्रांड्स आर ऑर्डर्ड इन अ लॉजिकल मैनर
could provide the hierarchical structures in consumer minds to facilitate brand migration. Example, BMW with its 3, 5 and 7 series numbering systems. अब क्या है कि आप जो है ऐसे उसको प्लेस करें अपने ब्रांड्स को कि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उसमें वो शिफ्ट होते चले जाएं, ठीक है ना। जिस तरह BMW जो है वो 3, 5 एंड 7 सीरीज, तो 3 सीरीज जो है वो बहुत बेसिक है, 5 इज इन द मिडल, एंड देन यू नो फॉर द टॉप और यू नो अ नीच मार्केट जो हु हैव अटेंड एवरीथिंग उनके लिए वो 7 सीरीज लेके आ गए। एंड नाउ देयर इज यू नो अ 6 सीरीज एज वेल फॉर पीपल हु सीक थ्रिल और यू नो हु हैव अ नीड फॉर स्पीड, तो वो 6 सीरीज लेके आ गए जिसमें जो है वो स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में वो आ जाती है। तो इस तरह जो है वो हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन हो जाता है और जो है कंज्यूमर्स को भी समझ में आ जाती है कि यार जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो कुछ इस तरह होगी। ये नेचुरल जो प्रोग्रेशन है, अगर आपको याद हो तो हमने वो टोयोटा की हायरार्की की भी बात की थी, तो टोयोटा में भी नेचुरल प्रोग्रेशन है, मकसद वो छोटी गाड़ियां हैं फिर उससे बड़ी है फिर उससे बड़ी है, तो मकसद लाइक आप जो है जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, अगर आप टोयोटा के लॉयल कस्टमर्स हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली अपनी गाड़ी जो है वो चेंज करके उस तरफ ले जाएंगे। फिर अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, ट्रेड ऑफ इन द मार्केटिंग एफर्ट बिटवीन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स एंड रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वंस, फर्म्स मस्ट प्रोएक्टिवली डेवलप स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स स्पेशली यंगर वंस। अब ये है कि आप जो मार्केटिंग एफर्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है आपको नए कस्टमर्स जो है उनको अट्रैक्ट करना है, लेकिन आपने जो है जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भी रिटेन करना है, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी लॉयल हैं, दे हैव यू नो दैट नॉलेज, तो अगर वो चले जाएंगे तो आपको नए कस्टमर्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, मार्केटिंग प्रोग्राम ज़्यादा डिवाइस करने पड़ेंगे, तो आप जो है वो इतनी इन्वेस्टमेंट अब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए उस मार्केटिंग प्रोग्राम्स में आपको रिटेन करने की ज़रूरत है उन पुराने कस्टमर्स को, बट देन अगेन ऑन दी अदर हैंड यू नीड टू यू नो अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स सो दैट यू नो जो पुराने कस्टमर्स में से जो लोग अब नहीं हैं वो किसी और कॉम्पिटिशन के पास चले गए हैं या कोई और ब्रांड खरीदने लग गए हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास जो है नया फ्रेश ब्लड जो है वो उसमें होना चाहिए। तो आपको जो है उन नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। अब जो है उसकी मिसाल इसी तरह ही है, वो जो लाइफ बॉय वाली मैंने आपको बात बताई, ठीक है ना, और आपको मैंने ये डिज्नी वाली बात बताई कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया है अपनी इस नए वेंचर से। जो लोग जो है लाइफ बॉय इस्तेमाल कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन अब ये है कि वो लोग जिनके जो है बच्चे भी हैं, ठीक है ना, एंड वो जो है अब दे थिंक के ओके दिस इज़ अ गुड ब्रांड टू बाय, मकसद क्योंकि वो बच्चों को भी वो टारगेट कर रहे हैं कि उनके बालों के लिए भी ये एक बेहतर प्रोडक्ट है, तो दे वुड नॉट यू नो शाय अवे फ्रॉम बाइंग दिस लाइफ बॉय शैम्पू। इसी तरह जो है अगर आप देखें कोलगेट या मैकलींस, मतलब दे आर देयर फॉर यू नो अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो जो है हमेशा उन्होंने पहले तो जो है वो टूथ डिके की बात करते होते थे, ठीक है ना। आजकल के जो बच्चे हैं वो क्योंकि कैंडीज वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो टूथ डिके तो एक है, लेकिन उनका जो वाइटनिंग का जो इशू है वाइट टीथ का वो एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। लोगों की स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, टोबैको खाना शुरू कर दिया, नसवार खानी शुरू कर दिए एट अ वेरी यंगर एज, तो उससे जो दांत जो हैं वो काले काले से होने लग गए, उन पर दाग नज़र आने लग गए, तो उन्होंने वो वाइटनिंग टूथपेस्ट निकाल दिए कि आप वो इस्तेमाल करें तो उससे जो है दांत जो है वो सफ़ेद होंगे, ठीक है ना, और वो जो उस पर जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो है वो लोग जो कि पहले एक आम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो जो है वो वाइटनिंग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं विद दैट ब्रांड एक्सटेंशन, उन्होंने नए कस्टमर्स को भी एक्वायर किया है। और फिर दूसरी बात ये कि आपको जो है वो यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है,
because then they have, you know, a longer customer lifetime value with that brand. Agar they, if they tend to like that brand, they would stay with that brand for a longer period of time. अगर आप जो है वो ओल्डर पीपल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो अब कम हो जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता दे आर गोइंग टूवर्ड्स ग्रेव. वो कंज्यूमर जो है आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, चला जाएगा. हो सकता है वो कल को खुद आके खरीदने के काबिल भी ना रहे, किसी से कह के यार ये तुम लेते आना, तो वो हो सकता है कोई दूसरा ब्रांड उठा के ले जाए, वो ब्रांड ना लेके जाए जो आपका है और वो उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सके. तो वो जो है एक बड़ा इशू है. तो आप जो है वो यंगर क्राउड को लाने के लिए आपको जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो यंगर क्राउड के काम आए, ठीक है ना. तो यंगर क्राउड को वो अट्रैक्ट करें. अब अगर जो है आप पुरानी वो बड़ी बड़ी जहाजनुमा गाड़ियाँ जो है वो देंगे यंगर क्राउड को, तो दे विल नॉट बी यू नो अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज दे वांट यू नो स्लीक डिजाइंस, स्मार्ट कार्स जो कि वो लेके जाएं तो लोग उसको एडमायर करें, ना कि ये कि वो इतनी बड़ी गाड़ी के जो कि उनसे संभाली ना जाए, जिसके लिए पार्किंग स्पेस ना मिले. तो वो जो है वो कभी भी नहीं, वो कहेंगे ये तो हमारे दादा के जमाने की गाड़ी है, हम क्यों इसको लेके जाएं भाई, ठीक है ना. तो वो जो है वो वहां पे आपको एक वो ट्रेड ऑफ बनाने की जरूरत है. फिर यू नीड टू रिटायर ब्रांड्स. यार आपको ब्रांड्स को रिटायर करना है. जो ब्रांड जो है वो काम नहीं कर रहा है, जो वो ब्रांड जो के जो है आपको इज नॉट गिविंग यू द आउटपुट, आप उस ब्रांड को खत्म कर दें. क्या जरूरत है कि आप उसी ब्रांड के साथ जो है वो चलते रहें. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो है हर ब्रांड जो है वो हर जगह हर वक्त चलता रहेगा. जिस तरह लोग मर जाते हैं इस तरह ब्रांड्स भी मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, दे डाई. सो यू नीड टू रिटायर ब्रांड्स. अगर इफ यू थिंक हाँ नहीं हो जो है मार्केट में, इट्स नॉट यू नो कैरिंग दैट सेम वैल्यू इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, तो देन देर इज नो पॉइंट यू नो स्टेइंग देर. आप देखें एक जमाना था कि वॉक्सवैगन बीटल जो है वो बड़ी पॉपुलर थी. एंड देन यू नो फॉर आफ्टर 1970s इट वॉज जस्ट नॉट देयर. दे वेंचर्ड इन टू यू नो अदर कार मेकिंग, बट दैट मॉडल वॉज डिसकंटिन्यूड. एंड देन यू नो इट वॉज रिवाइव्ड बैक इन 1990s because there was you know a cult following which wanted ki this beetle should come back. So for you know good 20-25 years you know that brand was retired. Isi tarah log jo hain apne aap ko relevant rakhne ke liye wo jo hai market change karte hain. Jis tarah aap dekhen Dunhill jo hai wo pehle सिर्फ वो टबैको एंड सिगार एंड सिगरेट्स उसमें डील करते थे, ठीक है ना. अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने देखा कि यार हम जो है हमारी रेलेवेंस कम हो जाएगी बिकॉज यू नो देयर आर अदर एंट्रेंट्स इन द मार्केट विद. तो उन्होंने खैर रिटायर तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दे वेंचर्ड इनटू यू नो न्यू मार्केट्स ऑफ फैशन एसेसरीज एंड यू नो क्लोदिंग. तो दे फाउंड न्यू कस्टमर्स और जो है ना उन्होंने रिवाइटलाइज कर लिया अपने ब्रांड को. जब मैं वंडर ब्रांड वंडर ब्रेड की बात कर रहा था तो वंडर ब्रेड जो है वो रिटायर हो गए, खत्म हो गए, बैंक्रप्ट हो गए. इसी तरह जो है बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपके आसपास इर्द गिर्द होंगे जो कि बिजनेसेस जो काम नहीं किया और आखिरकार उनको वो बिजनेस बंद करना पड़ गया. बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स जो हैं वो शुरू होते हैं और फिर आखिरकार पता चलता है कि नहीं वो जो है एक वेंचर ही था बस, तो वो रिटायर हो जाते हैं, खत्म हो जाता है.
ये जो है ये जब हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं और उनको जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, हम जो है अब इस बात को हमने मानना शुरू कर दिया है कि ये जो है ब्रांड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के दिमाग से हटते जाते हैं, नए ब्रांड्स जो हैं वो उनकी जगह लेने लग जाते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स जो हैं वो चेंज होने लग जाती हैं, और जब वो चेंज होती हैं तो उनकी जो रेलेवेंस है पुराने ब्रांड्स के साथ वो ख़त्म हो जाती है और नए ब्रांड्स के साथ वो एसोसिएट हो जाते हैं। अब अगर आप को मैं बताऊं, पहले हमारे यहाँ वो किराना स्टोर्स होते थे, है ना, हर गली मोहल्ले में एक वो जनरल स्टोर या किराना स्टोर होता था कि जहाँ से जाके आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें लेके आते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उन किराना स्टोर्स ने अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं किया तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गए, और अब उनकी जगह जो है वो सुपरमार्केट्स ने, ठीक है ना, मेगा स्टोर्स ने, हाइपरमार्केट्स ने लेनी शुरू कर दी। पहले जो है वो जो किराना स्टोर वाला था वो जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो आपको डाल के दे देता था और आप वो ले जाते थे। अब जो है ये इन स्टोर्स के, मेगा स्टोर्स आने से और सुपरमार्केट्स आने से और हाइपरमार्केट्स के आने से क्या हो गया कि अब यू मेक योर ओन चॉइस एज टू विच ब्रांड टू बाय। अब आप खड़े होके उसकी पैकेजिंग को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड देन यू नो यू बाय दैट प्रोडक्ट, यू बाय दैट ब्रांड, ठीक है ना। तो टाइम्स हैव नाउ चेंज्ड, सो द ब्रांड ऑल्सो हैज टू चेंज, ब्रांड ऑल्सो हैज टू यू नो मेक श्योर दे नो दैट रेलिवेंस इज देयर। तो यहां पर जो है न्यू कस्टमर्स की जहां बात आ रही है, तो मार्स जो है उन्होंने दे हैव वेंचर्ड इन टू यू नो आइसक्रीम्स, मार्स चॉकलेट की बात कर रहा हूं। तो जिन लोगों को चॉकलेट पसंद थी वो तो ऑटोमेटिकली स्विच हो गए, वो मार्स आइसक्रीम खा के भी वो खुश होंगे, लेकिन जो नए जो कस्टमर्स जो आइसक्रीम खाने वाले हैं ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दैट आइसक्रीम। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है उसको ट्राई करेंगे एंड यू नो उससे जो है उनकी एक एसोसिएशन बन जाएगी। आपको जो है इसी तरीके से जो मैंने कुछ लेक्चर्स पहले बात की थी वो मर्सिडीज की, तो वो आपकी जो सी क्लास है, ई क्लास है, एस क्लास है, और फिर उसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज या एक्सटेंशंस हैं लाइक यू नो 180, 200, 250, 300, 350, 500, 600, देन यू नो दे हैव यू नो एएमजी क्लास। तो वो जो मर्सिडीज है वो भी आपको जो है वो माइग्रेशन स्ट्रैटेजी में बिलीव करती है कि टू स्टार्ट ऑफ विद यू कुड यू हैव यू नो C180, S180, रादर S180 आई डोंट रिमेम्बर इज देयर, बट S250 इज देयर, सो एंड E180 एंड E200 आर देयर। सो लाइक आप जो है जस्ट फॉर यू नो व्हेन यू आर एट अ यू वांट टू हैव लग्जरी बट यू कैन नॉट अफोर्ड यू नो अ बिगर कार, तो यू कैड टेक यू नो अ स्मॉलर इकोनॉमी कार विच इज डज कैरी दैट सेम स्टार लोगो ऑफ मर्सिडीज ऑन इट, सो यू कैड बी श्योर दैट यू नो इट हैज फुल बैकिंग ऑफ मर्सिडीज एट इट्स बैक एंड यू कैड इंजॉय, यू विल बी इंजॉइंग द सेम यू नो कट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड लग्जरी। बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं इन दिस रिस्पेक्ट, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं समझाने के लिए। इन सारी एग्जांपल्स को देने का मतलब और इन सारी बातों को जो है समझाने का मकसद यही है कि आप जो हैं कॉन्स्टेंटली अपने जो मार्केट से फीडबैक लेते रहें, कॉन्स्टेंटली आप अपने कस्टमर से बात करते रहें,
ताकि उनको ये एहसास रहे कि ब्रांड जो है वो उनकी केयर करता है, और जब उनके पास ये एहसास रहेगा तो उनका जो लॉयल्टी लेवल है वो कायम रहेगा और लॉयल्टी लेवल एट पीक होगा, वो भी उस ब्रांड से उतनी ही मोहब्बत करेंगे जितनी ब्रांड उनसे करता है, और वो जो है किसी दूसरे कंपटीशन को ख़रीदने से या अपनी नीड्स के इवन बढ़ जाने पे भी वो दूसरे कंपटीशन के पास नहीं जाएंगे बिकॉज दे वुड फील बैड अबाउट इट। आपको शायद कुछ चीज़ें समझ ना आए या आप कुछ चीज़ें समझें कि ओवरलैप हो रही हैं, तो जी चीज़ें ओवरलैप ज़रूर होती हैं, लेकिन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें, बिकॉज जब भी आप उनको इग्नोर करने लग जाते हैं तो आप जो है इस सारे सिलसिले में लूज़ कर जाते हैं अपनी ग्रिप इस ब्रांडिंग से या ब्रांड इक्विटी से या तो आपको हमेशा वो जो ब्रांड एसेट वैल्यूएटर एंड यू नो CBVE मॉडल उसको हमेशा साथ लेके चलना है, ताकि इवन व्हेन योर ब्रांड ग्रोज ओल्ड यू कुड ऑलवेज यू नो गो बैक टू द बोर्ड एंड स्टार्ट पुटिंग इन यू नो थिंग्स एंड मेक इट यू नो रेलेवेंट अगेन, क्योंकि उसमें आपकी पास हिस्ट्री आपके पास होगी, आपको उसको अपने आप को दोबारा से रेलेवेंट बनाना अपने कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल नहीं होगा, और जो है आपको जो है अपने ब्रांड को रिटायर नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और उम्मीद है कि आप जो है अपनी किताब को साथ साथ जो है पढ़ रहे होंगे, आपके पास जो है क्लास नोट्स और बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी या आ चुकी होंगी, उनको ज़रूर पढ़िए, असाइनमेंट्स को देखिए, क्विजेस को देखिए, होपफुली आप इस ब्रांडिंग को बेहतर तरीके से समझ और ये सारी चीज़ें आपको ब्रांडिंग को समझने में बेहतर तरीके से मददगार होंगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।